हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। जिस चीज से हमें बेनिफिट है उस चीज से हमें लॉस भी है। जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर चीज में कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, यानी कुछ लाभ और कुछ हानि। उसी तरह से कंप्यूटर में इतने फायदे होने के साथ साथ कुछ नुकसान भी है जिससे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो जॉबलेस एडवांटेज की बात करते हैं कंप्यूटर की, तो फर्स्ट क्या है? जॉबलेस। बेटा आजकल सारे काम कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, तो ये कंप्यूटर के तो लाभ तो है, बट लेकिन इसके साथ साथ यह एक तरह से कंप्यूटर का हानि भी है, डिसएडवांटेज भी है। इससे ज़्यादातर लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। आजकल ह्यूमन का सारा काम मशीन ने ले लिया है, जैसे ही हम पलक झपकता है वैसे ही सारा काम कर देता है कंप्यूटर। तो इससे लोगों को जॉब में दिक्कत आ रही है। लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होकर भी उनको जो है जॉब मिलना मुश्किल हो गया है। तो ये डिसएडवांटेज है कंप्यूटर का। नेक्स्ट एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज बहुत ही ज़्यादा अधिक किया जा रहा है। इससे लोगों का मिलना जुलना कम हो गया है, लोग एक दूसरे से मिलना कम चाहते हैं। फेसबुक व्हाट्सएप पर चैट करना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है बेटा ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं आंखों में कमजोरी, कंप्यूटर का ज़्यादा यूज करने से हमारी आंखों के लिए हार्मफुल है, हानिकारक है। इससे हमारी आंखों की जो रोशनी होती है वो कम हो सकती है, और हमारे स्वास्थ्य के लिए कंप्यूटर का ज़्यादा यूज करना सही नहीं है। नेक्स्ट है बेटा रिडक्शन ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। जिसे बोलते हैं कंप्यूटर के जरिए आप हर विषय में बारे में आप इजी तरीके से जान सकते हैं, जिससे कि हमारी सोचने की एबिलिटी कम होती जा रही है। हमें किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानना हो तो हम एक माउस के क्लिक इंटर जैसे ही प्रेस करते हैं तो उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं। तो आजकल लोगों ने सोचना कम कर दिया है, लोग अपने ब्रेन पे जो है जोर डालना कम कर दिए हैं, तो उसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट है बेटा लॉस ऑफ डेटा। लॉस ऑफ डेटा का मतलब बेटा डेटा सुरक्षित नहीं है। कई हैकर्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर्स के डेटा को चुरा लेते हैं, तो हमें सावधानी से सब काम करना पड़ता है। एग्जांपल जैसे कि नेट बैंकिंग, बिल पे करना, ये सब सारी चीज़ें जो भी हम काम करते हैं तो ये थोड़ा सा सावधानी
अगर बरतेंगे तो सही होगा। अगर थोड़ा सा भी हम सावधानी केयर से करें तो सही है। अगर यहीं पे हम थोड़ा सा भी सावधानी, अगर हमने मिस्टेक कुछ कर दिया तो अगर OTP किसी दूसरे को शेयर कर दिया तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है यूज ऑफ कंप्यूटराइज मशीन्स। कंप्यूटर का ज़्यादा यूज, बहुत सारे कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर और कंप्यूटराइज मशीन का यूज करते हैं। अगर वह तुरंत काम करना बंद कर दे तो हमें भारी मात्रा में नुकसान कर उठाना पड़ सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर बेटा लिफ्ट की बात करें, जैसे ही हम ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए लिफ्ट का यूज करते हैं, लिफ्ट के माध्यम से आना जाना बहुत ही पसंद करते हैं। अगर बिजली चली गई तो, या उसमें कुछ फॉल्ट आ गई तो हमारी जान भी जा सकती है। यदि टाइम पर हमें अगर हम टाइम से बाहर जो है लिफ्ट से बाहर ना निकले तो उसमें फंस जाएंगे। अगर लाइट चली गई तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि अंदर कोई है और लिफ्ट खराब भी हो गया है तो हमें नुकसान भी हो सकता है।